How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। आई अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, द मोर आई रेज पीपल्स इश्यूज, द मोर आई टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू, द मोर आई विल बी अटैक बाय द गवर्नमेंट। इट्स अ सिंपल थिंग, जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे, यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है, ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए उससे डरते हैं, महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं, 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट इंडिया इज विटनेसिंग, व्हाट इंडिया हैज बिल्ट brick by brick starting almost a century ago is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government. And the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people.